हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एचआर बत्ती चैनल पे। आज मैं आपको डेस्कटॉप के बोर्ड के बारे में जानकारी दूंगा, तो चलो शुरू करते हैं। ये डेस्कटॉप बोर्ड है, गीगाबाइट कंपनी का है, जिसका मॉडल है PS SSD 2-VM। ये इंटेल बोर्ड है, इसमें इंटेल प्रोसेसर पड़ता है। ये ड्यूल कोर बोर्ड है, ये सिर्फ ड्यूल कोर कोटोड्यू प्रोसेसर सपोर्ट करेगा और इस पर DDR2 रैम लगती है। मैं आज आपको बताऊंगा ये कौन सा पार्ट्स किस पे काम आता है। जैसे कि हम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे इसमें USB पोर्ट 4 है, ये तो आपको सभी को पता होगा कि हम इस पर कीबोर्ड, माउस, पेन ड्राइव वगैरह एक्स्ट्रा जो भी है USB लगा सकते हैं। और ये होते हैं हमारे साटा पोर्ट, इस पर आपका कीबोर्ड लगेगा और इस पर माउस लगेगा। ये होते हैं VGA पोर्ट, और इसी होते हैं दो साउंड कार्ड पोर्ट, जिस पे हम ये साउंड वगैरह चलाना है तो इस पे हमारा साउंड लग जाएगा, मैक लग जाएगा, इस पे हमारी एक्स्ट्रा लीड लग जाएगी। और ये दो चिप हैं, ये मेन चिप होती हैं, ये मेन इंटेल की चिप होती है जिस पे हमारा पावर सारा कंट्रोल करती है, जिस पे ऑन ऑफ की चिप होती है। ये होती है हमारी ग्राफिक चिप, जिस पे ये प्रोसेसर को वोल्टेज वगैरह आती है, जिस पे ये होती है हमारे 12 वोल्ट की। अगर हम इस पर सप्लाई वगैरह लगाते हैं तो जो सप्लाई के दो कनेक्टर होंगे, ये मेन पावर वाला कनेक्टर यहाँ पे लगेगा और 12 वोल्ट का डिस्प्ले वाला कनेक्टर यहाँ लगेगा। और ये होते हैं इसकी कोयल, और ये होते हैं इसके कैपेसिटर। ये कैपेसिटर मदरबोर्ड में इसका काम आते हैं कि कभी भी कोई भी पावर जाए तो ये उसको बिल्कुल साफ़ करके, अगर कोई दिक्कत आएगी तो पहले ये कैपेसिटर पे जाएगी, अगर कैपेसिटर सड़ा तो आगे इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होते हैं IC 3 वाले ट्रांजेक्शन, ये छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं इसके। ये जो प्रोसेसर के बिल्कुल साथ में होगा ये होता है प्रोसेसर IC। अगर हमारा कई बार प्रोसेसर गर्म ना हो रहा तो ये प्रोसेसर IC में भी दिक्कत हो सकती है। और ये होती है हमारी BIOS, जिसे हम इस मदरबोर्ड का सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये होती है हमारी IO चिप, ये भी हमारा ऑन ऑफ का ही काम करती है, इस पर भी वोल्टेज आती है। और ये होती है हमारा ग्राफिक, जब अगर आपने एक्स्ट्रा कोई ग्राफिक कार्ड लगाना है तो ये ग्राफिक कार्ड का पोर्ट होता है। तो ये होती है PC स्लोट, इस पर हम ये पुराना थोड़ा वोल्टेज पुराना मदरबोर्ड है, इस पर हम साटा हार्ड डिस्क वगैरह भी लगा सकते हैं। ये होते हैं हम दो हमारे साटा पोर्ट, इस पर हम साटा हार्ड डिस्क, इस पर तो ID लग गई आपकी, अगर पुराना कोई लगाना है तो इस पर हमारी साटा लग गई। ये होते हैं ऑन ऑफ के, यहाँ पे लिखा भी होगा ऑन ऑफ के, अगर इस पर ऑन होगा, अगर हमने तारा लगानी है तो ऑन ऑफ की, ये रीस्टार्ट हो गया, ये HD हो गया, जो हमारी लाइट अगली बत्ती जगती है नीली रेड ब्लू वाली, ये पावर की होगी, ये माइनस प्लस की होगी। ये होते हैं रजिस्टेंस, अगर हमारा कभी और मदरबोर्ड में दिक्कत आ जाए, ऑन नहीं हो रही, तो हम इसे भी चेंज करके दे सकते हैं। ये होते हैं हमारे कैपेसिटर, ये होते हैं प्रोसेसर, क्योंकि ये पुराने मॉडल का CPU है तो इस पर ड्यूल कोर और पेंटियम 4 वगैरह ही सपोर्ट करेगा। जैसे ये प्रोसेसर होता है इसका, तो इस पर पेंटियम 4 ही प्रोसेसर, देख सकते हैं इस पर पेंटियम 4 लिखा होगा, ये पेंटियम 4 लिखा होगा, तो इस पर पुराना मदरबोर्ड है तो इस पर पेंटियम 4 ही होगा। अगर इसको लगाना है तो आपने ये ऐसे पिन है, ऐसे पीछे करेंगे इसको, और ये इसका कट भी देखना पड़ता है, अगर प्रोसेसर लगाना है ना आपका, इसके कट बने होते हैं, तो अगर लगाना है तो ये कट इसमें ऐसे डलेगा, तो ये कट ऐसे डाल के ऐसे हम ऐसे लॉक कर देंगे, तो ये आपका प्रोसेसर लग गया। और ये होते हैं रैम स्लोट, अगर देखने हैं तो भी पता अगर कैसे करें भी, इसमें DDR2 लगेगी 3 लगेगी, इस पर लिखा होता है 1.8, ये बिल्कुल छोटा आपको दिखेगा नहीं, 1.8 लिखा होगा तो इस पर DDR2 लगेगी, अगर 1.5 लिखा है तो DDR1 लगेगी, इस पर 1.8 लिखा है तो इस पर DDR2 लगेगी, अगर 1.5 लिखा है तो DDR3 लगेगी। तो ये होती है हमारी रैम।
इस पे भी लिखा होता है 1 GB की रैम है, ये देख सकते हैं आप, PC2 या DDR2 रैम है, तो इसमें DDR2 ही लगेगी। हम इसका ये कट मिला के देख लेंगे, ये कट ऐसे लॉक को पीछे करके, ये दोनों लॉक कर देंगे तो ये रैम लग जाएगी। फिर इसके ऊपर फ़ैन लगेगा, हम आपको फ़ैन के बारे में बताएंगे। ये हम लगा हो, ये मदरबोर्ड कंप्लीट है, इस पर फ़ैन लगा हुआ है, तो इस पर हम रैम लगा देते हैं। तो अगली वीडियो में आप हमको आपको हम पूरा सेट भी दिखाएंगे भी कैसे इस पर विंडो वगैरह करनी है, वो सिखाएंगे आपको। तो थैंक यू फॉर दिस चैनल पर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, थैंक यू।